तो आज मैं रश्मि डोले व्याकरण पुस्तक व्योम से आपके लिए पार्ट एक का वीडियो लेकर आई हूँ, भाषा और व्याकरण। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भाषा क्या है, हमारे विचारों का आदान प्रदान करने का साधन को ही हम भाषा कहते हैं, और वो हम किस प्रकार करते हैं, बोलकर और लिखकर। या तो हम बोलकर अपने विचार व्यक्त करेंगे या लिखकर। अब इसी प्रकार भाषा के दो रूप हैं। जब हम बोलकर अपने विचार व्यक्त करेंगे उसे मौखिक भाषा कहते हैं, और जब हम लिखकर अपने विचारों को व्यक्त करेंगे उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। विचार मतलब क्या? हमारे मन की कोई भी बात जो हमें किसी से कहनी है और उन्हें समझानी है, उसको हम इन दोनों रूपों के माध्यम से बताते हैं। अब इसी प्रकार भाषा को दो भाग पड़े आपने। अब एक और है भाषा का अन्य रूप, सांकेतिक भाषा। उसमें हम इशारों का प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा सांकेतिक भाषा का एक उदाहरण, ट्रैफिक लाइट्स होती है, हम उसे देखकर समझ जाते हैं। फिर हम लिपि के बारे में जानेंगे। अब जो हम बोल रहे हैं वो हम लिखते हैं, तो हर भाषा की अपनी लिपि होती है। जैसे हिंदी, मराठी, संस्कृत की लिपि देवनागरी, कश्मीरी उर्दू की फारसी, अंग्रेजी की रोमन, पंजाबी की गुरुमुखी होती है ना। तो ये सब भाषाओं की अपनी लिपि होती है, और लिपि का अपना महत्वपूर्ण स्थान होता है भाषा में। अब जो लिखा गया है लिपि के माध्यम से वो सही है गलत है, ये सही गलत की पहचान हमें कौन कराता है? ये हमें व्याकरण कराता है। व्याकरण बताता है कि हम जो भी पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, वो सही है कि नहीं है, शुद्ध है कि अशुद्ध है। तो एक उदाहरण देखेंगे, अच्छा गोपी नाचती है, यह एक अशुद्ध वाक्य है, और गोपी अच्छा नाचती है, यह एक शुद्ध वाक्य है। इसकी पहचान हमें व्याकरण ने कराई कि कब किस शब्द के बाद कौन सा शब्द लगाकर हमको सही अर्थ वाला शब्द और वाक्य बनाना है। इसी प्रकार से व्याकरण को भी तीन भागों में बांटा गया है। ये तीन भाग हमारे कौन से हैं? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार में हम वर्णों का ज्ञान होगा, उनको व्यवस्थित रखना। शब्द विचार में शब्द और वाक्य में वाक्य बनाना सीखेंगे। देखा आपने, हमने क्या सीखा? व्याकरण को तीन भागों में बांटा, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो ये हम अगले पार्ट में, पार्ट दो में इसे डिटेल में पढ़ेंगे, और वर्ण से शब्द, शब्द से वाक्य बनाना सीखेंगे। इसी लेसन के साथ ये लेसन में हमारा भाषा और व्याकरण खत्म होता है। मैं इसके बाद इसका पीडीएफ वगैरह जो भी भेजती हूँ आपको, वो अपनी ग्रामर कॉपी में पूरा करना होता है। अगर तुम नेक्स्ट वीडियो लेके आते तब तक अपना वर्क पूरा करेंगे। तब तक के लिए बाय।